आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज करेक्ट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कर्व जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है आइडियल गैस के लिए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगर हम ध्यान से हमारे ऑप्शंस को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये सभी ग्राफ जो हैं वो हमारे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। सभी कैसे हैं? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है, करेक्ट। अब हम इसको समझते हैं कि क्या है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखो, हमें आइडियल गैस में पता है दैट पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, एन हमारा कांस्टेंट है, फॉर वन मोल ऑफ गैस मान लेती हूँ, आर हमारा कांस्टेंट है, तो जो वी होता है हमारा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। जो वॉल्यूम होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ वैसे वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। डेली लाइफ एग्जाम्पल ले लीजिए, दूध उबालते हैं, ठीक है। दूध का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थोड़ा टाइम बाद क्या होता है, दूध ऊपर आ जाता है, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग इसी के एग्जांपल से देते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट वी बाय टी इज इक्वल्स टू के, और वी इज इक्वल्स टू के टी। हम ये चीजें लिख सकते हैं इसके अंदर, कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, दैट वी इज इक्वल्स टू के टी, ठीक है। अब यहाँ पर जो v by t है, इसको जैसे v1 t1 मान लेती हूँ मैं, तो इसके अंदर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ v1 t1 is equals to v2 t2। हम इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। देखिए, अब हम इसको आगे समझते हैं, आपको समझ में आएगा कि हम इसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले तो हमें दे रखा है v by t by t, यानी कि v by जो t है, अभी हमने देखा था कि जो मेरा v by t आ रहा था वो क्या आ रहा था, एक कांस्टेंट आ रहा था। ये चीज हमने देखी थी ना, v is equals to kt, मतलब कि जो मेरा v अपॉन में t है वो क्या है, वो k, वो एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो मेरा v by t की वैल्यू है वो कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट आनी चाहिए थी, पर ये तो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स ये तो मेरा गलत हो गया। अब देखिए, जो बाकी तीनों है वो वी टी और टी स्क्वायर के बीच में है, तो अब हम जो नेक्स्ट करते हैं वो वी टी और टी स्क्वायर के बीच में रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। देखिए, अभी हमने देखा था दैट v अपॉन में t इज इक्वल्स टू k, ठीक है, या v इज इक्वल्स टू kt। अब अगर मैं बोथ साइड्स t से मल्टीप्लाई कर देती हूं, तो ये हो जाता है vt इज इक्वल्स टू kt स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं दैट vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, है ना, ये k कांस्टेंट है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें ये मेरा y हो गया और ये x हो गया, तो जो मेरा ये मेरा m हो गया, ठीक है, स्लोप हो गया, और c मेरा इंटरसेप्ट जो कि जीरो हो गया। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन कैसी बन रही है, लीनियर इक्वेशन बन रही है। इसका मतलब vt और t स्क्वायर के बीच में कैसा रिलेशन है, एक लीनियर रिलेशन है, जो कि स्टार्ट किससे होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। तो हम देखते हैं इन तीनों में से vt और t स्क्वायर में क्या ये ग्राफ लीनियर है, नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। इसमें देखिए, क्या ये लीनियर ग्राफ है, है, क्या इसका इंटरसेप्ट जीरो है, है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। इसमें तो देखिए डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट ग्राफ कौन सा है, सी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया है सी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।